नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो आपके एएसआई और एएसआई का रिजल्ट आया है उसमें कुछ सीटें खाली रह गई हैं। जैसे एसआई स्टेनो की अगर हम सीट की बात करें तो वहाँ पे सीटें खाली हैं, और कुछ बच्चों का जो ये कहना है कि जो सीटें खाली हैं उसको, क्योंकि अब उसमें लिख दिया कि अगला प्रोसीजर आपका मेडिकल होगा, तो वो सीटें भरी जाए, खाली ना जाए जाए। और इससे पहले जब हम आयोग गए थे भर्ती बोर्ड, तो भर्ती बोर्ड ने भी यही हम लोगों से कहा था कि किसी भी कीमत पे सीटें खाली नहीं हो सकती हैं। और कुछ जो कट ऑफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे बता रहे हैं कि कट ऑफ में कुछ इशू है, खासकर एसआई कॉन्फिडेंशियल वालों के, स्टेनो वालों के लिए, वो भी क्लैरिफाई कर दे आयोग की आखिर इसमें क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा कट ऑफ बनाया गया है, बस ये क्लैरिफाई कर दे। इसी के लिए बच्चे जो हैं कल मंडे को जो हैं सुबह 10 बजे कुछ बच्चे हैं जो बोले हैं वो पहुंच रहे हैं, तो जो भी लोग हैं वो उनका साथ दें, क्योंकि अभी तो हमने ये कहा था कि हाँ आप लोग चलिए, लेकिन बच्चे जो हैं जल्दीबाजी में है कि नहीं सर हम जाएंगे, तो ठीक है आप लोग जा रहे हो तो आप उनके साथ देने के लिए, जो लोग भी इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिनके साथ ये समस्याएं हैं, वो जो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो सीट वैकेंट है उसके लिए भरा जाए, तो वो उनके साथ जा सकते हैं। कल 10 बजे बच्चे पहुंच रहे हैं आयोग, और जो ग्रुप है जहां पे वो बच्चे एक्टिवेट हैं जो कल जाने वाले हैं स्टेनो थर्ड लिस्ट की, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है, सभी लोग जुड़ जाइए उससे, और जो वहां पे बच्चे हैं उनसे कम्युनिकेट करिए कि कब पहुंचना है, क्या करना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको वहां पे होती है तो आप हमें फोन करिएगा, विद इन 10 मिनट से 15 मिनट में टीम जो है आपके पास पहुंचकर आपकी पूरी सहायता करेगी, ठीक है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहां पर कि ये जो कट ऑफ की बात किया जाए तो यहां यूआर में 121 सीट थी आपके एसआई कॉन्फिडेंशियल की, वो पूरी की पूरी फिल हो गई है, ठीक है, उसकी फिल कर दी गई है। लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी की अगर हम बात करें तो इनकी जो सीटें थी इनसे बहुत कम फिल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया, जब आपके पास जाहिर सी बात है कैंडिडेट थे, ठीक है, तो आपको इनकी कट ऑफ तो इनको तो अपने ईडब्ल्यूएस में रखना चाहिए था ना, इनकी क्यों कट ऑफ इतनी हाई गई। या यहां पर देखो जैसे 5 लोग सिर्फ सेलेक्ट किए गए हैं और टोटल सीट 29 थी, 29 में से 5 जगह 24 सीट सिर्फ यहां की वैकेंट है। ओबीसी की 79 सीट थी, मतलब इनको भी ओबीसी वालों को भी जनरल में कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जनरल के कुछ बच्चे बाहर हुए होंगे, ठीक है। तो यही बात है कि यहां पर जो तीन है, जो तीन आपके क्या है सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और यहां पे 79 सीट थी, ठीक है, तो इसका मतलब 76 सीट वैकेंट है। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा इस कट ऑफ पे मेरा दिमाग इसलिए गया जब मैंने इसकी कट ऑफ मार्क्स देखा, अब नॉर्मलाइजेशन में कितना कम हो गया यही नहीं पता, क्लेरिफाई करें बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। 10 11 बच्चे यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 61 सीट थी, 61 में से 11 सेलेक्ट हुए हैं, 50 बच्चों का यहां पर सीट वैकेंट है। और जो यहां पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 221 नंबर, अगर आप सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ बात करोगे एससी की तो यहां पे सबसे लास्ट कैंडिडेट जो डीवीपीएसटी के लिए गया था तो 258 नंबर का गया था, 258 का गया था, तो 221 वाला स्टूडेंट कैसे मिल गया, जब डीबी ही 258 वाले की हुई तो 221 वाला स्टूडेंट कैसे आ गया, यह सोचने की बात है। तो बस यही चीज कि कोई टेक्निकल एरर हो गया, इसको प्रिंट करने में क्या दिक्कत आ गई, तो एक बार क्लेरिफाई कर लिया जाए। तो बच्चे कल आयोग जा रहे हैं इन सब चीजों से संबंधित कि क्या हुआ है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जाती है, फिर बाद में वो लोग रिफॉर्म करते हैं चीजों को, तो हो सकता है रिफॉर्म करें। और जैसे फोन करके भी पता किया गया था तो अभी अपलोडिंग और चीजों का काम चल रहा था, जैसे देखे थे जब रिजल्ट आया था तो 3 4 लिस्ट आई थी, 1 2 लिस्ट नहीं आई थी आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें प्रोसीजर में चल रहा हो, और आज छुट्टी हो गई तो हो सकता है कल तक कुछ इसमें रिफॉर्म हो, लेकिन आप पहुंच जाओ, आपके भविष्य का सवाल है तो उससे कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे सभी लोग जुड़ जाइए, जो बच्चे जा रहे हैं उनका पूरा साथ दीजिए, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, टीम वहां पर जरूर आपके साथ रहेगी, ठीक है। अगर कोई नहीं कुछ सुनता है चाहे कुछ भी ऐसी होती है तब हमें आप बताइएगा, लेकिन क्योंकि वहां पे आप ही लोगों की एंट्री होती है, आप ही लोग जो है साइन करके जितने बच्चे होंगे वो अपना जो एक तरह से नोटिस है वो आप डीजी साहब को या रश्मि मैम को दे सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।